गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। भाई सुबह के बज रहे होंगे आई थिंक 11 और भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट मेरे पति देव ने शूट नहीं किया क्योंकि आजकल ये अपने आप को बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी समझने लगी है, कुछ शूट ही नहीं करती। कहती है कि नहीं, फिर ऑडियंस ये कहते हैं कि तुम हमेशा खाना ही दिखाते रहते हो, और तो भाई खाएंगे तो दिखाएंगे ही ना। अब देखो बाथरूम जाते हैं तो दिखा नहीं सकते, लेकिन खाना खा रही है तो दिखा ही सकते हैं ना। और इस आदमी ने मेरे को ब्लॉग शूट करते हैं, मेरे पीछे से मैंने टपली मारी है एक। ये देख लो यहाँ पे सोता आ रहा है, ये रात भर चौकीदारी करती है, ये तो बहुत बड़ी चौकीदार है हमारे घर की। ये देख लो कितनी हमने इसको कष्ट दे रखे हैं, रात भर चौकीदारी पे रख रखा है इसको गरीब को। ये देखो क्या लगा रखा है इसने, येलो अच्छा निशान है इसके ये। और ये बड़ा चौकीदार, इसे भी होश नहीं आ रहा, बेहोश है ये। रात को तुमने ज्यादा पैक लगा लिए थे क्या साहिब? ए साहिब जी, ज्यादा हो गए थे क्या दारू रात को तेरी? पता ही नहीं कहाँ का सोता आ रहा है, इनको देखना जरा। ये देख लो दोनों को, क्या कोई इनके साथ ज्वाइन करना चाहेगा? नहीं है? कोई इनके साथ ज्वाइन कर लो, तुझे सला दूं? ठीक है तू सो जा। तो भाई मैं अभी देख लो बाहर हमारे कपड़े सूख रहे हैं मस्त, और आज मैं सोच रही मशीन लगा दूं जो मेरे पर्दे चेंज किए हैं। और मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ गाइस को। क्या? इधर मोड़, मेरी तरफ मोड़, ये देख लो भाई, जब से आया तब से ऐसे ही बड़ा खाली नहीं किया इसने। आपको कोई काम नहीं है करने के, गाली खाओगे क्या लोगों से? सारे काम लोग वैसे भी यही कहते हैं कि जब देखो हर काम के लिए यशु को बोलती रहती है, खुद कोई काम नहीं करती। वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड भी काम कर रही है तो मैं भी काम करूंगी। सीखो कुछ गर्लफ्रेंड से अपनी, कितना काम करती है, 7 बजे से लगी हुई है बेचारी। तो मैं भी काम करूंगी आज सारे घर का। तो भाई आज शाम को बनने वाले हैं राजमा चावल एंड कढ़ी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मकबैंड, और आज का मकबैंड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि जो राजमा और कढ़ी का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। पंजाब में ज्यादा चलता है। हाँ बहुत चलता है, उधर ज्यादा चलता है ये। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, और आज मैंने डिसाइड किया है कि दोनों चीज बनेंगी शाम को। तो भाई मस्त अपन एंजॉय करने वाले हैं आज मकबैंड, और मकबैंड फाइनली शूट हो जाएगा। और ये देखो, हाँ क्या क्या देख रहे हो, गए तुम्हारी नींद पूरी साहिब शुभी? तो भाई अभी चलो मैं चलती हूँ, अभी 2-4 काम कर लेते हैं, आज ये लगेज भी खाली कर देती हूँ। अई जॉन, ये वाला हाथ सही नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। ठीक है नहीं करती। नहाओगे आज? अच्छा आजकल बताना मैं कैसी हरकतें कर रही हूँ आजकल। कैसी? पागल कर रखा है इसने यार, सही में दिमाग खराब कर रखा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, दिमाग इतना खराब कर रखा ना सुबह उठते के साथ ही, इसने बहुत दिमाग खराब किया है आज। बजरा में बता नहीं सकती वो बात, वरना मैं बता देती कि जो इसने दिमाग खराब किया सुबह उठते ही मैंने देखा कि मेरा वेट इससे, हमारा वेट ना 10 किलो का अंतर रहता है हमारे वेट में। अगर मेरा 60 है तो उसका 70 होएगा, मेरा 62 है तो उसका 72 होगा। आज इसका 72 आ गया और मेरा आ गया 60। तो ये मेरे से चिड़ी पड़ी है सुबह से कि मेरा 12 किलो कैसे ज्यादा हो गया, आज मेरा 12 किलो कैसे ज्यादा हो गया। अभी ना मैं पीछे पीछे आती रही, ये देखो आज मैंने बनाया है बहुत ही बढ़िया, ये मेथी का आप द्वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, पहले मैं यूज करती थी और मैं अब आज फिर यूज करूंगी। मैं इसको बनाऊंगी भी प्रॉपर, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मैं बनाने वाली हूँ एक फेस पैक बहुत बढ़िया, जो की हम बनाएंगे हमारे घर की होम मेड चीजों से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है चलो। इसे देख लो, यहाँ पे कुछ पाउडर टाइप बन रहा था, पाउडर बनते बनते लिक्विड हो गया। ये एक लिक्विड है, इसके अंदर है मसूर की दाल, चावल, बेसन, और मुझे लगता है नमक ना मिला दे ये थोड़ी देर में। बेसन नहीं डाला। इधर आओ, उधर से लाइट आ रही है पीछे से। अच्छा बेसन डाला नहीं अभी, और मुझे ऐसा खोलते गुलाब जामुन की भी, गुलाब जामुन कह रही हूँ, गुलाब जल की भी खुशबू आई है, गुलाब जल भी डाला है। तो ये पतला क्यों नहीं हो पा रहा, बारीक क्यों नहीं हो पा रहा ये है? अच्छा अब क्या मिलाया है, बारीक हो जाएगा ये। ये बन रहा है फेस पैक हैक। अच्छा ये जो तुम चटनी पीसने वाले हैं, तुमने जो उसका ब्लेड लगाया है, वो ब्लेड अच्छे से धोए थे तुमने? धो के रखा हुआ था पहले से। अच्छे से धुले हुए थे? हाँ। अगर जो उसमें मिर्ची हुई तो? ब्रश है अपने पास लगाने वाला। क्या ब्रश? हाथ टूट गए, लगाएगी ब्रश बनाएगी। बन गया ये? हाँ। तो लगा लो फिर इसको जल्दी से फेस पे। लगाई दूँ मेरी वो लेके आ। क्या वो जो तू लेके आई थी पट्टा पहनने? वो शायद देख लो छोटे लगेज में रखा है।
यार वो भी मैं ही लेके आऊंगी, मैंने बनाया इतनी मुश्किल से। क्या मुश्किल लगी तुमको, चावल डाल दिए इसमें उठा के, भिगाए भी नहीं है। बिना भिगोए बनता है ये, पता है नहीं तेरे को कुछ, बस अब इसको लगा लो ऐसे, देखना कितने ग्लो आ जाएगा फेस पे। जैसे पीछे इस पे ग्लो आ रखा है। शुभि देख तेरे बाप ने क्या कांड किया है, आ जल्दी ऊपर आके देख, आ चेक कर। ए शुभा देख तो सही, देख ले मेरी बेटी देख ले, ये पापा ने काका हरकतें की है। आगे की चंद में देख रहे कि क्या हो रहा है, अब ये अलग देखने आएगा। साहिब 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 जी, ये देखो साइड से गंजा कर रखा है इस लड़के को बेचारे को। है नहीं इसमें पता नहीं, फिर मुझे बताना जरा, पट्टी हो गई इसकी तो। कौन सी पट्टी, इसमें नहीं मिली? नहीं। तो अपने पास कौन कौन से बैग ले गए थे अपन? ब्राउन बैग में होगा पूरा, ब्राउन बैग उसमें देखो एक बार। यार उसमें कहां से आया, पंखा जल्दी ही शूट कर ले यार, तुमको लगता नहीं है व्लॉग कैसे शूट करना है? क्या बोला आपने मुझे? दिमाग ही नहीं है तेरे अंदर, सच में अक्ल नहीं है मेरे अंदर। अच्छा ये तो मैं, मेरा पर्स है ये, ये मेरी चुन्नी है, ये मेरा सूट है, ये बाकी का मुझे पता नहीं और क्या क्या है इसमें। चेन वेन में देख लो, ये मुझे सानिया ने दिया था। कितना क्यूट है ना, बिल्कुल अपने जैसा दिया है, मेरे को भी दिया है सानिया ने, ये वाला पर्स दिया है सानिया ने मेरे को, और सानिया ने मेरे को एक ने भी दिया था। हाँ ये भी तो दिया है आपको एक, मेरे को भी दिया है हाथ में पहनने वाला एक बहुत सुंदर, वो मैं पहनूंगी अभी रुक के। तू यहाँ क्या चेकआउट करने आया साहिब? ए साहिब क्या करने आया तू यहाँ? इसमें भी नहीं है, चेन वन में देख लो यार, बड़े लगेज तो मैंने खाली कर दिए क्योंकि। साहिब क्या देख रहा है तू ऐसे? मेरा हेयर बैंड दे दे वाला कहाँ रखा है? मुझे क्या पता कहाँ है पापा, दिमाग मत खराब करो, मैं नींदों में हूँ, बहुत नींद डिस्टर्ब कर रही, तुमने पंखा बंद कर करके। आप अपनी चीजें अपने आप संभाल के रखा करो ना, मेरे से क्यों पूछते हो हर चीज कहाँ रखी है। तो गाइस ये रहा हमारा स्पेशल शीशा, और ये रहा स्पेशल शीशे के सामने खड़ा हुआ आदमी। इसको हम ऐसे ऐसे करके गाइस लगा लेंगे, थोड़ा अपने ऊपर गिरा भी लेंगे, थोड़ा गिर भी जाता है। हाँ तुम्हारे मुंह का ही मैं लगाऊंगी, गिरा हुआ है ना। हाँ तो क्या होगा, हाय हाय इतना कपल गोल भी नहीं करना मुझे, मुंह का झूठा खा सकती है तो लगा नहीं सकती। तो वो हाथ से लगा लेती तू, इतनी चौचलबाजी कर रही है जो ये। अरे इसे सही लग रहा है ना एकदम, लेयर में देख। लेयर में लग रहा है, घंटा लेयर में लग रहा है। बुलवा मत मेरे को ठीक है। बोलती लगा लूंगा, बोलती कब हो तुम? मैं इसमें भी दो तीन चीजें और ऐड करके लगाऊंगी बढ़िया सा। तू ही करियो, मेरा तो हो गया बस। के लिखिया सी साडा मिलना, मेरे को सानिया कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो तुम क्या करती। तू नहीं होती तो कोई और होती। अच्छा मैं नहीं होती तो कोई और होता, और अच्छा मुक्का नहीं, मैं इसके चप्पल जूते मारूंगी देखती जा तू। तो ऑब्वियस सी बात है, तो तू नहीं होती तो कोई और ही होता फिर, और कौन होता। हाय हाय अरे यार ऐसे लगा दिमाग खराब। कौन होती? अच्छा वो होती क्या? चलो अच्छी बात है। वो होती तो भी अच्छी बात है। देख रही है सुन रही है ना तू? गाइस इस आदमी, हाँ एक नंबर की कंजरी है डुगू, सच बताऊं तो मैं, आप लोग इसकी हरकतें देख लो, ये बोल रहे कि मैं नहीं होती तो कोई और होती, ये नहीं बोल सकती कि बाबू नहीं तू है तो मेरी जिंदगी इतनी सही सुचारू रूप से चल रही है। क्यों बोलूं मैं जल्दी शादी कर ली यार, मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है। गिरा दी सारे कपड़े है ना, गिरा दी सारे कपड़े इसने। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? क्या बोला दोबारा बोलना जरा। मैंने बोला कि उन्हें जल्दी शादी कर ली। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कौन है तलाक के पेपर बन के तलाक होना है, मौका है अभी भी, बताओ कोई पसंदीदा है तो मैं खुद शादी कराऊंगी तुम्हारी है? और अपने से ग्रैंड कराऊंगी, देख ले ये बात की भी गारंटी। जबान वाली बात है बस, उसमें वाले गाने में नाच करेगी, डांस करेगी। किस पे? वो कौन सा, वो तनु वेड्स बनू में वो नाचती है ना। मैं नाच लूंगी डिंगी 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 डिंग 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 डिंगी 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 डिंग कर गई मैं भी, कित जाके मर गई, जो करना था कर गई मैं भी, कित जाके मर गई, अच्छी खासी तगड़ी चंगी भाली बावरी हो गई, मैं घनी बावरी हो गई, मैं घनी बावरी हो गई। नारा बदतमीजी नहीं करो, बेवकूफ ना हो तो।
शेव कर रही हूँ क्या मैं? मुझे क्या पता? टिंग 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 टिंग। इसी के साथ एयरपोर्ट्स की बैटरी खत्म होते हुए बस बाबू ठीक है ना। हाँ तो गाइज ये देख लो, चावलों का फेस पैक बन के रेडी है और थोपड़े पे लगाया हुआ इंसान भी रेडी है। तो ये देख लो भाई, मैं इसका रिजल्ट देखने के बाद ही अपने मुंह पे लगाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या रिजल्ट आया है। चलो सो गाइज 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 मेरा फेस पैक तो लग गया गाइज। अरे हंसने वाली यार, इससे भी खिंचाव होता है। सूखेगा तो खिंचेगी नहीं क्या स्किन? नहीं चावल कैसे ही? स्किन पे कुछ भी लगा के अगर वो सूखेगा तो स्किन खींचेगी बिल्कुल। अरे यशु ने बनाया नया होता है। क्या क्या इसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? मैंने इसमें ऐड किए हैं थोड़ी सी कॉफी, हाँ ठीक है, थोड़ी सी बिल्कुल पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हाँ एंड 2-3 ड्रॉप डाली है मैंने इसमें शहद, हाँ और 3-4 ड्रॉप डाली है मैंने इसमें ओरिजिनल बादाम ऑयल। यस। और खुद का तो अमीरों वाला बना लिया, मुझ गरीब को गरीबों वाला दे दिया। और यहाँ पे बैठ के जो तू बना रही है, अगर नीचे गिरा ना बेड पे तो तू ही साफ करेगी। बाबू गिरे गिरे साफ मैं ही करना है। ये देख लो जरा, आपको थोड़ी साफ करना है। हाँ ये बड़ी स्टाइल मारने वाली। गाइस मेरे को एकदम गरीबों वाला फेस पैक बना के दिया और खुद हीरो वाला बना रही है। पागल सी, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं भाई, पता नहीं कितने, 3-4, 3:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। और यशु को लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, आज हमने सुबह बहुत ही लाइट नाश्ता किया था। आज हमने किया था चीले का नाश्ता, आज हमने चीले बनाए थे। तो अब धीरे धीरे हम बैक टू रूटीन आ रहे हैं अपनी, ठीक है। तो इसलिए बैक टू रूटीन से मतलब जैसे पहले हम खाना खाते थे ऐसे वाला। और अभी पता नहीं मुझे क्या बना रही है, क्या बना रही है? राजमा और कड़ी बना रही है। अभी से बना रही है? फिर शाम को यशु की एक्चुअली अपॉइंटमेंट है एक कॉल की, एंड फिर अभी शाम को हमारा मकबैंग भी शूट होगा, तो इसलिए यशु अभी बना रही है कड़ी और राजमा अभी बना देंगे। कल तक के लिए मैं पूरी पूरी तरीके से ना बिजी हूँ। कल तक के लिए? यस। क्यों, कल क्या है? कल मुझे प्रमोशन शूट करना है। कल भी बिजी है भाई ये तो। भाई देख लो, अरे फेस तो दिखा दे अपना फेस, देख लो भाई इसका वो लगाने के बाद ऐसा कुछ ग्लो दिख रहा है। वो मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे तो करती हूँ लड़कियाँ। मेरा भी देख लो। जमा कर दूँगा तेरे में। मेरा आलू बुखारा। आलू बुखारा कहने का हक सिर्फ एक को ही है। नहीं मैं कहूँगी ना आपको। तू मुझे आलू बुखारा नहीं कहता। तू मुझे कोई कहेगी। तू मेरे आलू बुखारा मुझे कोई और कहता है। मेरे पास से दूर हट जा। चिड़ोकली मैं चिड़ोकली नहीं हूँ, गंदी गंदी चीजें मत स्प्रे। तो अभी यशु जरा ये बना ले कड़ी बड़ी, और राज देखो प्यार उमड़ रहा है यहाँ पे। देखो ये देखो, एक मेरा बच्चा यहाँ पे छोई छोई कर ले, एक इसके पीछे छोई छोई कर ले। पता नहीं कैसे सो रहे हैं कुछ दिन से। हाँ मैंने आपको दिखाया था ना, बाहर भी ये साथ ही सोते हैं। बिट्टू को जगह नहीं देता ये। साहिब थोड़ी सी उसको भी जगह दे दे बेटा, वो भी तो सोएगी। इधर हो जाओ, आगे हो जाओ थोड़ा सा। मेरी बच्ची को मैंने घुसा रखा है, मेरी गुड्डी के पास तो जगह ही नहीं है। थोड़ा तू आगे कर लेना अपने पैर, मेरी गुंडी भी सो जाए। हाँ दीदी भी तो बैठी है पीछे, सुला ले। थप्पड़ मार दूंगी कान काटेगा तो उसके। चिड़ोकला तो यदि कम नहीं है। कहा देख लियो, कहा देख लियो कैमले में, कैमले में कहा देख लियो, कहा देख लियो साहिब। चलो गाइस तो अभी जरा कुछ और बोलना था गाइस, कुछ बोल ले अभी। गाइस मैं अभी तो फिलहाल कड़ी बना रही हूँ और मेरी आत्मा निकलने को आ रही है बाहर। मैंने खाना बिल्कुल ना के बराबर ही खा रखा। अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना यार, दोबारा से क्योंकि 3 टाइम खाने लग गए थे तो फिर वो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है ना उसके। अब दोबारा से धीरे धीरे पड़ेगी आदत, अब क्या कर सकते हैं बताओ। कोई बात नहीं। अभी आपको तो बाबू लगने लगेगी ना, वो कैमरा में नहीं बोल रहे हो आप, लेकिन बस लग रही है। बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं फ्रूट खा लूंगी। पीछे हो रखी है, हमने चीकू मंगाए थे। चीकू इज माई फेवरेट फ्रूट, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट चीकू। एक्चुअली तो मैं वो खा लूंगी, मैंने बाहर रखे ठंडे है ना, तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया गाइस। ओके ठीक है, तो थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे फिर मैं खा लूंगी। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। चलो गाइस। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:43 यानी कि 10:45,
और मैं आपको बता दूँ आज हमें मकबैंग शूट करना था। यशु की शाम को एक कॉल थी, यशु ने वो ले ली थी और हमने पूरी मतलब यशु ने पूरी रेडी भी कर लिया था मकबैंग का। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लो राजमा चावल और उसमें कढ़ी है। तो ये हम लोग शाम को मकबैंग में खाने वाले थे, बट जैसे ही यशु कॉल लेके आई ना, इसके सर में इतनी तेज दर्द हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुबह से हमने सिर्फ आज एक चीला खाया था तो वो इसके एसिड बन गया मतलब खाली पेट, और इसके सर में चढ़ गया वो दर्द। तो अभी उठी है भाई, बहुत बुरी तरह दर्द हो गया था इसके, बहुत ज़्यादा तेज, मतलब मैंने कभी 30-31 सालों में ऐसा दर्द कभी नहीं झेला। मुझे ऐसा हो रहा था लिटरली कि मैं अभी वॉमिट करूँगी, और अभी मैं मतलब मेरा मुझे कुछ तो हो गया, मेरे दिमाग की नज़र फट जाएगी, बहुत ही गंदा था। तो फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा रहने दे। फिर उसके बाद ये इसको मैंने बाम वाम लगाया और इसको सुला दिया थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने खुद की मेरी खांसी की दवाई चल रही थी उस टाइम पे, मैंने दोपहर में दवाई ली थी, मेरी खुद की हालत ऐसी और थी कि बस मैं भी इसके साथ में सो गई। और फिर हम लोग उठे 8:30 बजे मेरे ख्याल से, थोड़ा लाइट फील हो रहा है बाप रे। और ये सब गर्मी की वजह से हुआ है मेरे साथ, कोई बात नहीं। तो अभी हम अपना जरा डिनर कर लेते हैं गाइस। मकबैंग तो अब शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बस की नहीं है इस टाइम पे, तो पहले जरा खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस रात के 11 बज चुके हैं भाई, और हमने अपना डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है। यशु की तबीयत पहले से बेटर है, सर में दर्द अभी भी है थोड़ा सा, बट पहले से अच्छा है, सही है, ठीक है, थोड़ा ठीक है, नहीं है मतलब दर्द है लेकिन उतना नहीं है, कम हो गया लेकिन हो रहा है। अभी मैं लेडी का फिर से मेरा दर्द होना शुरू हो गया और मुझे दवाई लेनी चाहिए अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे ना ये चीज़, और पीछे पूरा अजीब सा दर्द हो रहा है। मुझे तो नहीं लगे कहीं, आज ही फेस पैक लगाया था तूने। नहीं मेरे को नज़र नज़र नहीं लगती, फिर पता नहीं कुछ तो हो गया तेरे, नज़र ही लगी पक्की बात है, सर में दर्द होता तो तेरी नज़र लगती है ना, है ना बेटा। तो गाइज आज का व्लॉग मैं क्या ही बोलूँ, मैं पापा बता क्या बात करूँ गाइज से, गाइज को बताऊँ यशु की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, यशु की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यही तो बोलती है व्लॉग में, मैं कैसे बोल सकती हूँ व्लॉग में, अगर मैं बोलूँगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोर फील करोगे, तो इसलिए यही बोलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे व्लॉग एंड करके यहाँ से भाग जाना चाहिए, आप लोग को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। हो सकता है आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा बना हो, बट कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लोगे मुझे पता है। और अभी व्लॉग बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है हमारे, तो कोई बात नहीं, अगले महीने फिर से सही हो जाएगा, उससे अगले महीने सही हो जाएगा, नहीं तो इतनी टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं ली कोई बात नहीं है। और मैं बता दूं कि मौज प्लेटफॉर्म पे जो हमारी प्रोफाइल है उसमें 500K से अबव मौज पे हमारे 5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं कंप्लीट भाई, तो 5 लाख से ज़्यादा। हाँ तो आपने जिसने मौज पे नहीं फॉलो किया मौज पे जाके फॉलो कर लेना, बस यही बताना था हमें। और बाकी सारे जितनी भी आइडिया सब पे फॉलो कर लेना भाई। टॉक विद यशल्स फिर से चालू हो गया है, तो आज टॉक विद यशल का कॉल ही ले रही थी बेचारी जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक है तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ कहना है तेको? ज्यादा ज्यादा प्यार दे देना बस वीडियो को, ठीक है? ठीक है, ज्यादा ज्यादा प्यार दे देंगे वीडियो को, ठीक है? तेरे को घर में ले जाऊंगी, ये देख लो प्यार करेगा, और देख लो पीछे हो रही तेरे को लेके आई थी इन दोनों को ना, रात को पता नहीं क्या हो जाता है, दिन में तो पूरे दिन भाई नींद काटते हैं और रात को इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, एक दूसरे के पीछे रहते हैं, एक दूसरे के पीछे भागेंगे ना भाई, अफीम की गोली खा के बेहोश हो गए हो ये सही में, और रात को ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल ही एकदम शैतान। वो देखो कहाँ चढ़ रही है, कहाँ चढ़ रही है वो देख, हाँ चढ़ जा ऊपर, चढ़ जा और ऊपर चढ़ जा ऊपर चढ़ जा शुभी, कल ये बैग हटाऊंगी यहाँ से, हाँ कल ये भी हटाना है। तो चलो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।